Hello guys, welcome back to my channel. This is your Sizzle and I hope friends you all are good. Friends, जैसे कि मैं last video में review किया था face care massager और beauty care massager, आप कुछ भी कह सकते हैं. आज मैं उसके बारे में आपको बताने जा रही हूँ कि मैं उसे कैसे use करती हूँ एक बहुत ही simple तरीके से. अगर आपको वो तरीका पसंद आता है तो आप भी उसे use कर सकते हैं same उसी तरीके से और वो बहुत ही अच्छा result देगा और आपकी skin को बिल्कुल clean and clear, crystal clear कर देगा. चलिए friends देखते हैं. सबसे पहले मैं अपना कोई भी जो आप भी आपका फेवरेट फेस वॉश है आप वो ले लीजिएगा. एंड मैं अपने फेस को गीला कर रही हूँ सो स्प्रेयर के थ्रू. एंड मैं थोड़ा सा जो हमारा फॉर्म है जिससे मैं फॉर्म क्रिएट करूँगी फेस पे उसे भी गीला कर लिया है. एंड मैंने अपने इसके ऊपर फेस वॉश अप्लाई कर लिया है गाइस. मैं इसे ऑन करके ऑन मीडियम पार्ट के ऊपर रखूँगी, लो ही. एंड देन मैं इसे अपने फेस पर इस तरह से एक मसाज के मसाज करूँगी इसके साथ और एक बहुत ही अच्छा फॉर्म क्रिएट हो जाएगा इसके साथ फेस पर. आप देखिए ये बहुत ही अच्छा. इस तरह से आपको हल्के हाथ से ही करना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं करना है आपको मशीन के ऊपर. वेरी लाइटली आपको करना है. एंड आप, मैं इसे वीक में वंस करती हूँ, आप ट्वाइस भी कर सकते हैं. बट आई रियली सजेस्ट यू मोर देन टू टाइम्स इन अ वीक आप मत कीजिएगा, बिकॉज इससे फिर आपकी जो स्किन है थोड़ी हार्श हो जाएगी, बिकॉज ये थोड़ा सा हार्श होता है. इसके मैंने अपना फेस जो है वॉश कर लिया है. अब मैं मसाज करूँगी. सेकेंड स्टेप जो मैं करती हूँ अपनी स्किन के लिए वो है मसाजर से मसाज करूँगी. ये जो रोलर वाले आप देख रहे हैं. एंड मैं मसाज के लिए बायो केयर का ये पर्ल जेल इस्तेमाल कर रही हूँ. इसका मैंने रिव्यू किया हुआ है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चेक कर सकते हैं. एंड थोड़ा सा मैं लिटिल क्वांटिटी जो है अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ. एंड नाउ अब मैं स्टार्ट कर दूँगी गाइस. ये देखिए, फर्स्ट मैं इसको थोड़ा सा हाई मोड के ऊपर रखूँगी ताकि जो मेरा क्रीम है वो प्रॉपरली ईच एंड एवरी प्लेस पर जो है स्प्रेड हो जाए. आफ्टर डेट मैं इसे लो मोड पर करके हल्का हल्का अपने फेस के ऊपर मसाज दूंगी. एंड इस वक्त आप थोड़ा रिलैक्स फील कीजिएगा. एंड हो सके तो आइज क्लोज करके एक रिलैक्सिंग मोड में आप चली जाइए, बिकॉज आपकी जो काफ़ी अच्छे से इससे आपका जो स्किन है वो ग्लो करने लग जाएगी, बिकॉज आपकी स्किन में एक अच्छे से जो ब्लड सर्कुलेशन है बहुत प्रॉपरली वर्क करेगी गाइस. एंड एक बहुत ही नेचुरली एंड ब्यूटीफुल ग्लो आएगा आपके फेस के ऊपर. इंजॉय कीजिएगा इसे पूरा, ये बहुत अच्छा रहेगा. ये देखिए गाइस, मैंने जो है अपना मसाज उस मसाजर के थ्रू कंप्लीट कर लिया है. अभी मैं इसे एक बार फिनिश टच देने के लिए हाथ से, बहुत ही लाइट लगेगा मेरा हाथ, शायद आपको देखने में थोड़ा हार्ड लग सकता है, लेकिन मैं जो बहुत ही हल्के हाथों से कर रही हूँ. एंड इस तरह एक स्किन पे अपने हल्का सा मसाज दे दीजिएगा. अगर आपको लगे कि आपका जो क्रीम है वो अच्छे से जज्ब हो गई है देन इट्स वेरी गुड, अदरवाइज हल्का सा इस तरह से फेस वेट कर लीजिएगा. आफ्टर दैट टॉवल से लेकर आपको इसको डैपिंग मोशन में अपने फेस पे डैप करना है, रब नहीं करना है, इस तरह से डैप करना है. ये देखिए कितना अच्छा ग्लोइंग लग रहा है. आफ्टर दैट मैं आपको अपना थोड़ा सा स्किन केयर दिखा देती हूँ, नाइट केयर का लिटिल सा, कि इसके बाद मैं क्या करती हूँ. ये फेशियल मसाजर यूज़ करने के बाद इसका टोनिंग यूज़ करूँगी मैं. इसका वाटरमेलन टोनर है ये ब्यूटी बास्केट का, इसका रिव्यू भी मैंने किया हुआ है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. एंड मैं ये अपना लिप बाम यूज़ कर रही हूँ जो मैंने DIY घर पर ही बनाया है लिप्स के पिगमेंटेशन को दूर करने के लिए. ये भी, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी गाइस, चेक कर लीजिएगा. उसके बाद मैं इसे ड्राई होने दूँगी टोनर को. ये देखिए टोनर मेरा काफ़ी अच्छे से ड्राई हो गया है. अब मैं एंटी एजिंग क्रीम यूज़ कर रही हूँ वाटिका, इसका भी रिव्यू किया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. एंड इसमें मैंने थोड़ा सा कोकोनट ऑयल यूज़ किया है ताकि मेरी स्किन पे बिल्कुल भी किसी भी तरह की ड्राइनेस ना आए. एंड अब मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ अपने फेस के ऊपर इस तरह से, हाथ हल्का ही इस्तेमाल कीजिएगा गाइस. ये देखिए बहुत बढ़िया से इस तरह से ये जज्ब हो जाएगा और अब आप सोने के लिए बिल्कुल रेडी है. नाइट स्किन केयर आपका हो गया.
अगर गाइस आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सबसे पहले मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और उसके साथ में एक बेल आइकन है गाइस उसे जरूर दबाइएगा ताकि आप आने वाली सभी वीडियोज के लिए नोटिफाइड रहे। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कुछ भी आपकी रिक्वेस्ट है और कोई भी क्वेरी है अगर आपकी इस प्रोडक्ट के रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख भेजिएगा, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई जरूर करूंगी। बाय फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।